हेलो गाइस, मेंट्रा MFS 100 के एक प्रॉब्लम मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। एरर कोड 1001, योर आईडी सर्विस इज एक्सपायर्ड। तो क्या करना है इसके लिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करिए। पहले आपको क्या करना है कि दिस पीसी में जाना होगा। दिस पीसी इधर, हाँ। उसके बाद ड्राइव सी पे जाना होगा, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद मेंट्रा, उसके बाद MFS 100 ड्राइवर, MFS 100 टेस्ट, MFS 100 टेस्ट, ये एप्लीकेशन को ऑन करना है। उसके बाद यूटिलाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर आया है 3638706। तो हुआ क्या है, आपका जो RD सर्विस है उसको रिचार्ज करना है, ठीक है। तो रिचार्ज करने के लिए आपको इधर गूगल पे टाइप करना है कि मेंट्रा RD सर्विस रिचार्ज, ऐसा करके। और वो जो सीरियल नंबर मैंने आपको अभी दिखाया है वो सीरियल नंबर इधर पे पूछा जाएगा। तो उसके बाद आपको इस सीरियल नंबर को दे देना है, इस वेबसाइट पे चला जाना है, servico.mentraapp.com। उसके बाद RD सर्विस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर जो भी है कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, जो भी मांग रहा है वो सब कुछ दे देना है। कंपनी नेम पे आपका जो आपका खुद का नाम ही दे देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इधर पे सीरियल नंबर ऐड कर लेना है। सीरियल नंबर क्या था, 3638706। इधर टाइप कर देता हूँ 3638706। उसके बाद ऐड, ओके, ऐड हो गया। उसके बाद क्लोज करना है इसको, और उसके फॉर 1 ईयर RD सर्विस इसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे जो भी है कंट्री, तो इंडिया ही है। स्टेट त्रिपुरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी साउथ त्रिपुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। एड्रेस मागुर छोरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद पिन कोड देकर इधर पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा मेरा रह गया कंपनी नेम, इधर मेरा नाम दे देता हूँ। एक्चुअली होता क्यों है, अगर आपका RD सर्विस है ना, वो आई थिंक 1 साल के लिए ही है। तो 1 साल के बाद क्या होता है, उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। तो रिचार्ज ख़त्म होने के बाद ये प्रॉब्लम आता है, एरर कोड 1001 आता है। तो रिचार्ज करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो मैं भी रिचार्ज करना हूँ, लेकिन रिचार्ज करते टाइम क्या होता है, ये जो सीरियल नंबर है ना आपका मेंट्रा जो डिवाइस है उसके नीचे भी रहता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम क्या होता है, वो बहुत पुराना होने के कारण वो विजिबल नहीं होता। तो इसके लिए वो मैंने आपको सेटिंग भी बताया किस तरीके से आपको वो फाइंड करना है, तो आप उस तरीके से फाइंड कर लेना। अच्छा, इधर पिन कोड दे देता हूँ। उसके बाद पे नाउ एक्सेप्ट, और नीचे अच्छा पेमेंट आ गया। पेमेंट आने के बाद तो आपको सिलेक्ट करना है कि कैसे पेमेंट करना है। मैं UPI सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेटीएम का UPI हैंडल है मेरा, तो इधर मैं पेटीएम का जो UPI आईडी है वो दे देता हूँ। इधर आपका जो भी है पेमेंट मेथड वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट कर देना इधर से। वेरीफाई पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो पेटीएम वॉलेट है उस पर जाके वो रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट के लिए। वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट कर देना है कि 118 rupees आपका डिडक्ट होगा वहाँ से। मैं कर रहा हूँ अभी पेमेंट। पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होता है, पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर रहा हूँ उसको अभी। डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हो पेमेंट रिसिप्ट, वो आप रख सकते हो, हम डाउनलोड करके भी रख सकते हो कुछ टाइम अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि मैं इसको ट्राई करूँगा कि अभी वो प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि नहीं। इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी, वो इनिशिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो सीरियल नंबर सेम ही है। अभी उसको डिवाइस को डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइस रिमूव्ड हो गया। अभी फिर से प्लग इन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये एरर तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये डिवाइस मेरे इस कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये आ रहा है। फिर से रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद फिर से अटैच कर लिया।
अभी देखिए फ्रेमवर्क इज रेडी है, अभी सीरियल नंबर भी आप देख सकते हो, सेम सीरियल नंबर।